सबसे लोकप्रिय प्रतिनिधि कौन होता है? वो जिसके पास बहुत सारी वोट है या वो जिसके पास लोगों का प्यार है? ऑब्वियसली जिसके पास लोगों का प्यार है। तुम्हें पता है वर्जीनिया में हुई हिंसा पर ओबामा ने एक ट्वीट किया, ठीक है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के लिए बैकग्राउंड, धर्म या रंग के आधार पर नफरत लेकर पैदा नहीं होता। और ये देखते ही देखते ये ट्वीट दुनिया का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ट्वीट बन गया। सही बात है, कितनी सिंपल और सहज बात उन्होंने सीधी तरह लोगों के सामने रखी। भले ही ट्रंप आज राष्ट्रपति हो, पर ओबामा का क्रेज और ओबामा के लिए प्यार अभी तक कम नहीं हुआ। हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे मना लिया, लेकिन सच पूछो तो मुझे नहीं लगता कि लड़कियां आज भी बहुत आज़ाद हैं। क्यों बताऊं? एक सर्वे के बारे में जानोगे तो आश्चर्य करोगे। अभी भी इंडिया में 80% महिलाएं हैं जिनको हेल्थ सेंटर जाने के लिए अपने परिवार से परमिशन लेनी पड़ती है। वो तो है यार, मतलब आंकड़े बताते हैं कि ऐसी बात है। रूरल इंडिया में ये आज भी बरकरार है। अर्बन इंडिया में भले ही ये प्रॉब्लम्स थोड़ी कम लगती हो, बट रूरल इंडिया में तो ये पक्का है। अर्बन एरिया की बात कर रहे हो, चंडीगढ़ वाला केस तुम्हें नहीं पता क्या? है ना। हाँ वो भी है, अर्बन इंडिया में भी कहाँ सेफ्टी है, रात को दिन में कभी भी सेफ नहीं है। तुम क्या, कभी कभी तो मैं भी सेफ नहीं फील करता हूँ। इसके अलावा रेप, मैरिटल रेप जैसे इश्यूज हैं। लड़कियों को पैदा होने की आज़ादी नहीं है, पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं है, और सेम तनख्वाह पाने की आज़ादी नहीं अच्छा, है। अच्छा 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 समझ गया। अच्छा वैसी बहुत सारी बातें हैं, भले ही हमने 70 साल की आज़ादी सेलिब्रेट कर ली हो, पर इनके पास आज भी थोड़ी और चीज़ें हैं जिनसे आज़ादी पाने का हक तो है। भारत और चीन के बीच का तनाव डोकलाम से निकल के हमारे स्मार्टफोन्स तक आ पहुंचा है। बिल्कुल, मेरे और तुम्हारे जैसे स्मार्टफोन यूजर्स जो चाइना के फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, सरकार ने अब उन कंपनियों पर पेच कसना शुरू कर दिया है। Xiaomi, ओप्पो और वीवो जैसी तमाम चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियों को सरकार ने एक नोटिस भेजी है और उनसे लोगों के डेटा सिक्योरिटी के बारे में जवाब मांगा है। क्योंकि अब हमारी गवर्नमेंट को ये डर सता रहा है कि कहीं चाइनीज फोन यूजर्स का डेटा चीन चोरी तो नहीं कर रहा। टेरर फंडिंग को लेकर NIA की तेज कार्रवाई जारी है। श्रीनगर, बारामूला, हंदवाड़ा समेत NIA ने 12 जगहों पर छापेमारी की है। 24 जुलाई को NIA की ओर से 7 अलगाववादी नेताओं को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। तमिलनाडु के अम्मा कैंटीन के तर्ज पर बेंगलोर में कांग्रेस ने इंदिरा कैंटीन की शुरुआत की है। इसके उद्घाटन के लिए खुद राहुल गांधी पहुंचे। उनका कहना है कि इस कैंटीन में सबसे कमज़ोर और गरीब घर का इंसान भी पेट भर खाना खा सकता है। लद्दाख के पानगोंग झील के किनारे चीनी सैनिकों के घुसपैठ को भारतीय सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। हालांकि चीन का इस पर कहना है कि उसे इस खबर की कोई जानकारी नहीं है। बहरहाल डोकलाम विवाद को हुए 2 महीने का समय बीत चुका है। इस बीच दोनों देशों की क्या कार्रवाई रही, क्या बयानबाजी रही, इस बारे में विशेष पढ़ना चाहते हैं तो आइए क्विंट हिंदी पर।